मैं बार बार कह रहा हूँ, डेफर्ड एन्यूटी क्या होता है, जब फर्स्ट पेमेंट आपका लेट स्टार्ट होता है उसे डेफर्ड एन्यूटी कहते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्यूटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी कंसिस्टिंग ऑफ द 41 मंथ पेमेंट। तो जितनी पेमेंट आप करते हैं, टोटल जितनी पेमेंट आप करते हैं उसको हम एन बोलते हैं। नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स जाएगी आपकी, कितनी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं उसको हम एन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? एन क्या होता है, कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो एन होता है। तो 41 पेमेंट आप कर रहे हैं तो 41 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो एन हो गया, एन इक्वल्स टू 41 पेमेंट ऑफ द 100 रुपीज ईच, एंड आर जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, आर इक्वल्स टू 100। द फर्स्ट बींग मेड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, अब जब मंथली की बात हो चुकी है तो अब सब मंथली होगा, तो फर्स्ट एम इक्वल्स टू 2 ईयर्स, मतलब क्या होता है, मंथली की बात करें तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 24 पेमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें से एक माइनस करेंगे तब एम, एम इक्वल्स टू 23। क्लियर है? एट 2 ईयर्स एंड द मंथली वर्थ 6%, तो आपके पास में एंड मनी वर्थ 6% कंपाउंडेड, तो ऑलवेज ये एनुअल होता है, आपको कैलकुलेट करना है मंथली, इसका मतलब है आप मंथली चार्ज करें बट ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होता है। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0.06 और मंथली है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे आप, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 0.06 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.005। अब मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू का, पी इक्वल्स टू आर ए एम प्लस एन आई माइनस आर ए एम आई। तो वन बाय वन करके निकालते हैं ना, मैं पहले क्या निकालूंगा, आर ए एम प्लस एन आई। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका आर ब्रैकेट प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या करते हो, वन माइनस करते हो देन वन प्लस आई करते हैं और माइनस में पावर होता है, तो पावर क्या यूज़ करोगे आप, एम प्लस एन और अपॉन आई दिस वन। सॉल्व करते हैं, आर क्या आपका 100 रुपीस ब्रैकेट 1 माइनस 1.005 रेस टू पावर माइनस, और आपके पास में एम प्लस एन, तो आपके पास में एम क्या है 23 है एंड एन कितना है 41 है, तो ये आपके पास में हो गया 64 माइनस 64। क्लियर है बच्चे? एंड अपॉन 0.005 दिस वन 100 1 माइनस 1 अपॉन 1.005 रेज टू पावर 64 अपॉन 0.005। सॉल्व करते हैं, 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 इंटू इक्वल्स टू, अब भी 64 है, बस इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 65 कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा, स्टॉप कर देना। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 1.3760 अपॉन 0.005 एंड 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.3760 0.7267 अपॉन 0.005 एंड 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7267 5 इक्वल्स टू 100 एक मल्टीप्लाई बाय 54.66 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 5466। क्लियर है बच्चे? एंड सेकंड आपको कैलकुलेट क्या करना है,
AMI, जो कि क्या होगा, आपके पास में R ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I रेस टू पावर माइनस M अपॉन I दिस वन, एंड R क्या आपके पास में 100 ब्रैकेट 1 माइनस 1.005 रेस टू पावर माइनस M अपॉन 0.005 दिस वन, एंड 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.005 रेस टू पावर 23 अपॉन 0.005 100 1 माइनस 1 अपॉन, कैलकुलेटर यूज करेंगे, 1.05 इंटू एंड इक्वल्स टू 24 तक कैलकुलेटर में आ जाएगा, इक्वल बस प्रेस करते रहो, 1.02 ये हो गया 1.121 0.05 एंड 100 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.121 0.8920 अपॉन 0.05, एंड डायरेक्ट अब आंसर करूँगा 1 माइनस 0.8920 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 100 2160, इसको माइनस करेंगे अब हम 5466 माइनस 2160, तो मेरे पास में आंसर आया 3306, ये मेरा आंसर है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे? तो मैं एक ही फॉर्मूले को लिंक करता हुआ चल रहा हूँ। अब बस आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, जो सिमिलर क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, ये तो ये एक टॉपिक रह गया जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी एक बात बतानी है आपको। अ हाउस इज सोल्ड फॉर द 50,000 rupees डाउन एंड द 10 semi एनुअल पेमेंट, हर 6 महीने में हम जो है 10 semi, तो 10 पेमेंट कराए लेकिन हर 6 महीने में कराए, 5,000 rupees ईच कराए। द फर्स्ट ड्यू द 3 years, हैंस फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द हाउस इफ द मनी इज अबाउट 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो ये बहुत आसान है आपके पास पे, क्योंकि आप इस बात को जरा समझ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या है। ये तो डाउन पेमेंट है, ये तो डाउन पेमेंट है, इसका कुछ नहीं करना। ये 50,000 rupees आपने पैसे दिए और बोला बाकी का किस्त बांध दो, तो बाकियों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और 50,000 में ऐड कर दो, क्योंकि बाकी जो किस्त बंधा है वो आपका ब्याज के समेत है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा उस इंस्टॉलमेंट में से। तो एक तो वो पैसा आपको देना है और एक 50,000 रुपये आपने ये दिया, तो कुल कैश प्राइस आ जाएगा उसका। चलिए द फर्स्ट ड्यू, अब क्या है 10 पेमेंट करें आपने, 10 semi एनुअल पेमेंट, जितने नंबर ऑफ पेमेंट कहते हैं उसको एन बोलते हैं, 10 करें आपने। द फर्स्ट ड्यू ने 3 years, तो मीन्स एम इक्वल्स टू 3 years, मतलब कि अब अगर हर 6 महीने में करते हैं तो 6 पेमेंट की बात हो चुकी है, 6 तो इक्वल्स टू 5, आपके पास में क्या आ गया, एम आ गया। हैंस द प्राइस ऑफ द हाउस ऑफ द मनी 20%, बट 20% आपके आई क्या आएगा, ये 20% तो पर एनम है, तो 0.2 हो गया, बट ये पर एनम है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.1 हो गया। क्लियर बच्चे, आपके पास में क्या है, ये आई आया। अब बस सेम फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जो रिजल्ट आएगा ना उसमें लास्ट में आपको 50,000 ऐड कर देना, वो आपका कैश प्राइस आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो इस इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हो आप, आप R इक्वल्स टू 5,000 पे कर रहे हो, ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है, ये बात समझ में आई बच्चे? तो यहाँ से बेसिकली इससे वैसे ही करो जैसे मैंने भी आपको सॉल्व करवाया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, प्लस में आपको ये पे करना था अगर आप कैश में लेते तो, और प्लस 50,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट करा है, तो कुल मिलाकर के कैश में आपको वो चीज़ कितने की पड़ती। कर लोगे बच्चे ये क्वेश्चन, समझ में आया? अब एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग है वो क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं, दिस वन। अब बच्चे अभी तक तो बता रहा था कि हमें कितनी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट है, कितनी पेमेंट करी है हमने, 10 पेमेंट। अब यहां पे क्या है,
यहाँ पे फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एनुअल पेमेंट ऑफ 600। अब यहाँ पर आपके पास में आर, चलो ठीक है, आर के आपके पास में 600। देखना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, द फर्स्ट बींग मेड एट द एंड ऑफ द फाइव ईयर, ठीक है, एम इक्वल्स टू 5 - 1 = 4। द लास्ट एट द एंड ऑफ द 12 ईयर्स, इसमें यह नहीं बताया इस सवाल में कि टोटल कितनी पेमेंट्स गई हैं। अभी तक सभी सवालों में बताया कि कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 10 एनुअल पेमेंट करने हैं, मतलब 10 आपको यहाँ पर एनुअल पेमेंट करा आपने, 10 पेमेंट करी हैं, यहाँ पर आपने 41 पेमेंट्स टोटल करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बट यहाँ कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। पहला तो आपका 4 साल बाद गया, पहला आपका 5 साल बाद गया, और फिर अगला आपका 12 साल पे गया, तो पेमेंट आपने कितनी करी है, तो 4 साल बाद ये 4 हो गया और अगला 12, तो आगे 8 पेमेंट और करी है आपने। पहला जो है ना आपके पास पे यहां गया, इसके बाद फिर 12 साल पे गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो कुल पेमेंट कितनी करी है आपने, इसकी बात करें ना, तो ये पहला आपका 5 ईयर्स पे गया यहाँ पेमेंट, अगला फिर आपके पास है 12 साल, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ कुल पेमेंट कितनी करी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कुल पेमेंट आपने 12 करी है ना यहाँ पे, सॉरी एक पेमेंट आपने यहाँ पे करी है और इसमें एम कर देंगे, और एक पेमेंट आपने ये एंड में तो कुछ नहीं होता, एक यहाँ, तो कुल पेमेंट आपकी यहाँ से लेकर यहाँ गई है, क्लियर है बच्चे? तो इसमें आपके पास में एम क्या है, एम आपके पास है 4 कंसीडर कर लो, क्लियर है? तो 4 है ना, तो 4 और उसके बाद फिर आपके पास में 12, तो कुल पेमेंट बीच में कितनी गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेमेंट गई है ना टोटल। आपने पैसे कितनी किस्तें दी हैं, पहला 4 साल बाद दिया, उसके बाद फिर 12 साल बाद दिया, तो कितनी किस्त दे रहे हो, 8 किस्त दे रहे हो ना आप, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू आप सोच रहे हैं ना अगर 12, तो गलत सोच रहे हैं, 8। अब बोलोगे सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, अरे भैया पहले वाले में क्लियरली बोल दिया था मैं इतनी किस्त भर रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि पहला मैं 4th साल में और फिर अगला मैं 12th साल में, तो यहाँ पर तो आपको निकालना पड़ेगा n, तो n कैसे निकालोगे आप, n निकालने का सिंपल तरीका 12 साल है ना, तो ये जो 4 है माइनस कर देना आप, सिंपल सी बात है, n 8 आएगा इस केस में। इससे पहले क्यों नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ पर ये नहीं बताया था कि पहला इतने फिर अगला इतने, ये नहीं बोल रहा है, कुल इतनी इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है, वो साफ क्लियर करके चल रहा है, तो वहाँ मुझे n गिवन है, n का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट कितनी कर रहे हो आप, क्लियर है बच्चे? तो बस अब आप इस केस में इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, आर ए एम प्लस एन और ये आई माइनस आर ए एम और आई, और आई क्या निकालेंगे यहाँ पर आप, एनुअल पेमेंट है तो आई इक्वल्स टू 0.06 हो गया। कर लोगे बच्चे इस क्वेश्चन को, समझ में आपको आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालो पहले आर ए एम प्लस एन, मैं ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो अब आपके पास में क्या है, आर क्या आपके पास में बच्चे, जो आपका 600 है, एंड ब्रैकेट 1 - 1 + 0.06 रेस टू पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना है, एन 8 है और एम कितना आपके 4 है, तो आपके पास में 12, क्लियर है बच्चे? एंड सॉल्व करते हैं यहां पे आप, ये पता लगा आपको 12 क्यों करा हमने, क्योंकि आप 12 पेमेंट की ही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो अपॉन 0.06, ये माइनस में पावर आएगा दिस वन, कर लोगे ना इसको, और फिर उसके बाद आपको एक और क्या निकालना है, दिस वन ए एम आई, आर क्या आपका 600 है, ब्रैकेट 1 - 1 + 0.06 रेज टू पावर माइनस एम, एम क्या आपका 4 अपॉन 0.06। बच्चे पहले कमेंट करके बोलो क्या कर लोगे आप, या पूरा क्वेश्चन करवाऊं मैं, बताइए। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी अच्छे से कंटेंट में अपडेट है, डिफरेंशिएशन को आप लोग कर लो, आपको 4 से 5 दिन का समय दे रहा हूं,
डिफरेंशिएशन कर लो, मैं डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आपका, क्योंकि जो चीज़ मैं एग्जैक्ट पढ़ा चुका हूँ उसको दोबारा मैं पढ़ा दूँ, सेम चीज़ मैं करवाऊंगा तो उसका टाइम का हमारा वेस्टेज होगा। क्यों नहीं मैं उस टाइम में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ 3 से 4 साल के, तो जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, प्लस में एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा बच्चे, बस यहां पर आप एन का खेल समझ पाए, यहां एन का खेल क्या है और यहां पर आपके पास में एन वही क्यों है, क्योंकि कितनी किस्त है उसको हम एन बोलते हैं, कितनी किस्त दे रहे हो, यहां पर कितनी किस्त दे रहे हो बता रखा है, यहां नहीं बता रखा था पहले किस्त 5 साल बाद, अगली किस्त 12 साल बाद जा रही है, तो कितनी किस्त दी आपने, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने अभी करके दिखाया था आपको। तो ये एम हो गया, 12 में से आप ये एम को माइनस कर दो आपका एन आ जाएगा, तो कितनी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, जब कमेंट करके बताओ कि कर लोगे या मैं इसको सॉल्व करवाऊं, जल्दी से कमेंट करें आप कि सॉल्व कर लोगे या करवाऊं।